हेलो एवरीवन, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 एंड द स्टेटमेंट इज क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर उस ताकि उस स्मॉलेस्ट नंबर को हम गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करें वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 882. सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. लेट्स स्टार्ट सॉल्व द क्वेश्चन 882. लास्ट में हमारा इसके पास 2 आया है तो हम इसको सबसे पहले किसकी टेबल से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे सॉरी 2 से. 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2. अब हमारे पास लास्ट में इवन नंबर आया है तो अब हम 3 के टेबल से ट्राई करेंगे. 3 1 जा 3 हमारे पास बच गया 14, तो 3 4 जा 12. अब हमारे पास बच गया 2 यानी 21. 3 7 जा 21. अगेन हम इस हमारा ये 3 के टेबल से जाएगा. 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27. 49 आता है हमारे 7 के टेबल में. 7 7 जा 49 एंड देन 7 1 जा 7. तो सबसे पहले हम अपने मल्टीपल्स लिखेंगे जो हमारे फैक्टर्स आए हैं. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. अब हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो हमें दो दो के पेयर बनाने पड़ेंगे. यानी 7 का अपना एक पेयर बन रहा है, 3 का अपना एक पेयर बन रहा है, बट ये जो 2 है इसका हमारे पास कोई पेयर नहीं है. तो हम ये लिख सकते हैं कि सो इफ वी मल्टीप्लाई 2 वी गेट 2 परफेक्ट स्क्वायर. नाउ कम टू पार्ट बी. द क्वेश्चन इज 432. सेम इसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और हमें ये बताना है कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. 432 लिखा, इसमें भी हमारी एंडिंग 2 से है तो हम 2 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. अगेन ये 2 से जाएगा. 2 1 जा 2, 0 पुट करेंगे क्योंकि हम 1 हमारा 2 से छोटा है तो हम पूरा पेयर ले रहे हैं इसलिए 0. 2 8 जा 16. नाउ अगेन 2 से. 2 5 जा 10, 2 4 जा 8. अगेन ये 2 से जाएगा. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. अब हमारे पास ऑड नंबर आ गया है तो अब हमारे पास ये जाएगा 3 के टेबल से. 3 9 जा 27 एंड देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. तो हमारे पास हमें ये हमारे पास जो इसके मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स क्या आए हैं, जो फैक्टर्स आए हैं वो लिख रहे हैं हम. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 देन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं. एक पेयर, देन ये पेयर, एक और पेयर. अब हमारे पास सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जो विदाउट पेयर है तो इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं सो इफ वी मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर. नाउ कम टू पार्ट सी एंड द नंबर इज 1331. अगेन हम इसमें भी क्या यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे. 1 3 3 1. लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर है तो ये 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा. हम इसको 11 से करेंगे.
इलेवन वन जाए इलेवन, टू बचेंगे 23 हो गया, इलेवन टू जाए 22, नव वन बचेगा इलेवन वन जाए इलेवन, अगेन ये हमारा इलेवन के टेबल से जाएगा, इलेवन वन जाए इलेवन, वन बचेगा इलेवन वन जाए इलेवन एंड इलेवन वन जाए इलेवन। तो हमारे पास इसके पेयर्स क्या क्या आ गए हैं, इलेवन सॉरी मल्टीपल्स क्या आए हैं, इलेवन मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई इलेवन। तो परफेक्ट स्क्वायरिंग, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं स्क्वायर, उसमें हम टू का पेयर बनाते हैं, तो हमारे पास दो इलेवन से एक पेयर बन गया और एक इलेवन हमारा विदाउट पेयर की बच गया। तो हमें क्या चाहिए, एक और इलेवन चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो हम लिख सकते हैं, सो इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय 11 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट डी, क्वेश्चन इज 845। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे हम, 845। अब हमारे पास पीछे 5, लास्ट में 5 है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 वन जा 5, 3 बच गया 34 हो गया, 5 6 जा 34 बचा, 5 9 जा 45। हम सभी को पता है 169 किसका स्क्वायर, 13 की टेबल से ही जाएगा, किसी से नहीं जा रहा है। 3 वन जा 3, 3 बच गया 39, 13 3 जा 39 एंड देन 13 वन जा 13। तो हमारे पास मल्टीपल्स क्या आए हैं, 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। 13 ने अपना पेयर कंप्लीट किया है बट हमारे पास 5 का कोई पेयर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, सो इफ वी मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट ई, 3698। सेम हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे, 3698। लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। अब हमारे पास ना ये 3 के टेबल से जा रहा है ना 6 की सॉरी 9 के टेबल से भी नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें बीच में, मैं आपको डिवीज़न मेथड से करके दिखाती हूँ, क्या पता ये किसी का स्क्वायर हो परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसको निकालेंगे डिवीज़न मेथड से, 18 4 9 लास्ट से पेयरिंग करेंगे 49 और 18। अब 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25, तो 25 बड़ा हो गया, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं ना जो हमारे पास गिवन पेयर होता है उससे, 4 4 जा 16। अब 18 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 2 और 14 कंप्लीट पेयर हमारे पास नीचे आ जाएगा। जब मैं 4 को यानी डिवाइजर और जो क्वेश्चन होता है उसको प्लस करते हैं, हम 4 और 4 को प्लस करें हमारे पास 8 आ रहा है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 8। जब हम 88 को जो डिवाइजर में 8 आया है, जब यहाँ पे डिवाइजर में भी हम 3 रखेंगे और क्वेश्चन में भी अगर हम 3 रखते हैं तो हमारे पास आता है 249 और ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो अब हमारे पास ये जो नंबर है 1849 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 43 का। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, 43 से इसको जब हम करेंगे डिवाइड तो ये किसका स्क्वायर आया था, 43 का। अगेन 43 को 43 वन जा 43। तो अब हमारे पास इसके मल्टीपल्स क्या आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 43। 43 ने एक कंप्लीट पेयर बनाया बट 2 हमारा जो है वो विदाउट पेयर है। तो अब हम इसमें सेम क्वेश्चन में, अब इसमें भी हम कह सकते हैं कि सो इफ वी मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यानी पार्ट एफ 700। सेम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्टली डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0
अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये हमारे पास जाएगा 5 की टेबल से, 5 3 जा 15 और 2 बच गया 25 हो गया, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो हमारे पास जो इसके मल्टीपल्स आए हैं उसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 का भी कंप्लीट पेयर है, 5 का भी कंप्लीट पेयर है, सिर्फ हमारे पास 7 ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं है, तो हम इजीली लिख सकते हैं। सो इफ वी मल्टीप्लाई, by 7 we get perfect square. Now come to question number 4 and the statement is find the smallest number by which the given number must be divided to make it a perfect square. हमें ऐसा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जो नंबर गिवन है अगर हम उस नंबर को उससे डिवाइड करते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमारा फर्स्ट पार्ट है 8112। सेम इसमें इस क्वेश्चन के लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। 8112, सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 2 4 जा 8। अब फिर से हमारे पास 1, अगला नंबर 1 है जो 2 से छोटा है, तो हमें डबल नंबर लेना पड़ेगा, तो 0 आएगा यहाँ पे, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज़, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। नाव अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अगेन हमारे पास 1 2 से छोटा है तो पेयर लेंगे तो 0 आएगा, 2 7 जा 14। अभी हमारे पास 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 20 बचा हमारे पास, 3 6 जा 18, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 जा 27 और 169 13 से जाएगा, 13 1 जा 13, 39 बचा, 13 3 जा 169। तो हमारे पास क्या आ गया है, अब ये होगा हमारे पास 13 1 जा 13। तो जो हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं वो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 देन मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई टू 13। 2 का एक कंप्लीट पेयर है, इस 2 का भी कंप्लीट पेयर है और 13 का भी कंप्लीट पेयर है, 3 हमारे पास विदाउट पेयर है, 3 हमारे पास ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आया है जिसका कोई पेयर नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन में अब इजीली लिख सकते हैं कि सो इफ वी डिवाइड गिवन नंबर बाय 3 इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। नाउ बी पार्ट इज 3920। सेम इसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, 3920। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 बचा 2 6 जा 12 एंड 0 एज इट इज़, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 0 देन 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अब हमारे पास ये जाएगा 5 से, 5 4 जा 20, 45 बचा, 5 9 जा 45। अब ये जाएगा हमारा 7 से, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। सो और मल्टीपल्स आर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 2 हमारे पास पेयर है, इस 2 का भी पेयर है और 7 का भी पेयर है, हमारे पास 5 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका कोई पेयर नहीं है, तो हम इजीली लिख सकते हैं सो
इफ वी डिवाइड गिवन नंबर बाय 5, इट बिकम 2। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट सी 3971 सेम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन 3971। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 11 की टेबल से। 11 थ्री जा 33, हमारे पास 67 बचा। फिर हम 11 सिक्स जा 66 और फिर 1 बचा 11 वन जा 11। अब हमारे पास 361 आ गया है तो हम इसको 361 हमारे पास 19 का स्क्वायर होता है, यानी 19 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 361 एंड देन अगेन 19 वन जा 19। सो आवर मल्टीपल्स आर 11 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19। अब 19 का एक पेयर हो गया तो सिर्फ 11 हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें से, जिसका कोई पेयर नहीं है तो हम इजीली लिख सकते हैं। सो इफ वी डिवाइड गिवन नंबर बाय 11 इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। नाउ पार्ट डी एंड द नंबर इज 10368। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे इसके लिए भी हम 10368। 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 फाइव जा 10, 2 वन जा 2, 2 एट जा 16, 2 फोर जा 8। अगेन 2 से 2 टू जा 4, 2 फाइव जा 10, 2 नाइन जा 18 एंड 2 टू जा 4। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा। 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 नाइन जा 18 एंड 2 सिक्स जा 12। अगेन 2 से 2 सिक्स जा 12, 2 फोर जा 8 एंड 2 एट जा 16। अगेन ये 2 से जाएगा। 2 थ्री जा 6, 2 टू जा 4, 2 फोर जा 8। अगेन ये नंबर हमारा 2 से जाएगा। 2 वन जा 2, 2 सिक्स जा 12, 2 टू जा 4। अगेन 2 से जाएगा। 2 एट जा 16, 2 वन जा 2। अब हमारे पास ये जाएगा 3 की टेबल से। 3 टू जा 6, 3 सेवन जा 21। देन अगेन 3 से 3 नाइन जा 27, 3 थ्री जा 9 एंड 3 वन जा 3। तो अब हम अपने मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करते हैं, जो जो हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं। सो और मल्टीपल्स आर 2 मल्टीप्लाई 2, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड लास्ट वन ऑल्सो 3। पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 पेयर पेयर, दिस वन ऑल्सो पेयर पेयर एंड पेयर। तो हमारे पास जब हमने हमारे मल्टीपल्स देखे हैं तो उसमें 2 एक टू स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा है जिसका कोई पेयर नहीं है तो हम इजीली लिख सकते हैं। सो इफ वी डिवाइड गिवन नंबर बाय 2 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। नाउ कम टू पार्टी। नाउ 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 सेवन जा 14, 0 आएगा। 2 फाइव जा 10, 2 सेवन जा 14 एंड 2 फोर जा 8। अगेन 2 से 2 थ्री जा 6, 2 फाइव जा 10, 2 टू जा 4, 2 एट जा 16 एंड 2 सेवन जा 14। अब हमारे पास 7 से जाएगा। 7 फाइव जा 35, 0, 7 फोर जा 28 एंड 7 वन जा 7। अब हमारे पास ये नंबर अगेन
ऐसा नंबर आ गया है जो ना 7 के टेबल से जा रहा है ना 9 की से। फिर से मैं इस क्वेश्चन में अगेन मैं डिवीजन मेथड यूज़ कर रही हूँ 5041। सेम पेयरिंग की 41 एक पेयर हो गया, 50 एक पेयर हो गया, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। तो ये 7 डिवाइजर होगा और 7 ही क्वेश्चेंट होगा 49। 50 में से 49 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1 और ये 41 का कंप्लीट पेयर हमारे पास आ जाएगा नीचे। अब हमें क्या करना है, इस जो हमारे पास डिवाइजर है इसमें हम क्वेश्चेंट को ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया 14, तो हम 14 को यहाँ पे लिखेंगे। अब डिवाइजर में अगर मैं 1 लिखती हूँ और क्वेश्चेंट में भी 1 लिखती हूँ तो मेरे पास नंबर आ गया 141 और हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मीन्स 0 रिमाइंडर बचा है। तो अब हम इजीली कह सकते हैं कि ये जो नंबर गिवन, जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर आया 5041, ये किसका स्क्वायर है, 71 का। 71 को जब हम 71 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 5041। अब 71 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71। अब हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन से मल्टीपल्स आएंगे हम उनको, मैं उनको लिखती हूँ, उनको लिखना स्टार्ट करेंगे 2 × 2 × 7 × 71 2 का अपना पेयर बन गया, 71 का पेयर बन गया, 7 हमारे पास एक ऐसा नंबर बचा है जिसका कोई पेयर नहीं है। तो हम इजीली कह सकते हैं सो इफ वी डिवाइड गिवन नंबर बाय 7 इट बिकम्स 7 perfect square। पार्ट एफ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 1568। सेम इसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे 1568। 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। नाउ 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं हम उनको लिखेंगे, जो मल्टीपल्स आए हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7। 2 का एक पेयर है, 2 का एक पेयर है, 7 का अपना पेयर है, सिर्फ ये 2 एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं है। तो हम इजीली लिख सकते हैं सो If we divide given number by 2, it become perfect square.